हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए आपका एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, रेस्टोरेशन टू 1798 पेपर से रिलेटेड। और ये लास्ट क्वेश्चन पेपर है जो हम आपको दे रहे हैं। आपको थ्री टू फोर क्वेश्चन पेपर दिए जा चुके हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। एक्चुअली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के सिलेबस में ये वाला पेपर है, तो उन्होंने पूछा है कि हमारी इसमें अगर हेल्प हो सकती है, अगर हमें ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के मिल सकते हैं, तो हम उन बच्चों को ये दे रहे हैं। तो इस पेपर को देखने से पहले आप अपना सिलेबस चेक कर लेना कि क्या आपके सिलेबस में ये पेपर प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको नहीं देखना, लेकिन अगर आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है तो आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और किस तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप के रिपीट होते हैं और आप उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका बेस्ड होगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर और आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा इस सेक्शन में। मीन्स आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 5 का ही आपने आंसर देना है। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, तो ये वाला सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स अगर आपको काफ़ी सिंपल होता है ये सेक्शन, अगर आप 5 क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो देखिए आपके 10 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। सेक्शन बी में आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है। मीन्स आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपने 2 करने हैं और एक क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, तो ये भी सेक्शन आपका 10 मार्क्स का ही होता है। लेकिन सेक्शन सी क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है, मीन्स उसमें आपने काफ़ी डिटेल में लिखना होता है, तो उसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो सारे सेक्शन क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं, बस ये चेंज या ये डिफरेंस होता है कि आपको दूसरे सेक्शन में ऑप्शंस मिल जाते हैं। मीन्स आपके पास चॉइस होती है कि आपको कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, किसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेक्शन ए में देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चंस आपका रिलेटेड है रेप ऑफ द लॉक से। व्हाट हैपन्स टू द लॉक ऑफ हेयर, ओके, व्हाट हैपन्स टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ द पोयम द रेप ऑफ द लॉक। राइट अ नोट ऑन एलिजिक एलिमेंट्स इन थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आप ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपने टू द पॉइंट लिखना है। कमेंट अपॉन द सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ फियर इन ब्लैक्स पोयम टाइगर। डिस्क्राइब फील्डिंग्स कंसेप्ट ऑफ मॉरेलिटी। एक्सप्लेन द लाइन द जनरल करप्शन ऑफ मैनर्स इन सर्वेंट्स इज ऑइंग टू द कंडक्ट ऑफ मास्टर्स। एंड सेक्शन बी द रेप ऑफ द लॉक। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और आपको लग रहा है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप 3 में से आउट ऑफ 3 आप वही 2 क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करेंगे। द रेप ऑफ द लॉक ट्रूली रिप्रेजेंट्स द फॉलीज एंड फॉयबल्स ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी, डू यू एग्री, ओके। अब देखिए रेप ऑफ द लॉक क्या था, एक तरह से सेटायर है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के ऊपर, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को लिया गया है, उन पर सेटायर किया गया है, क्योंकि मोक एपिक है, तो आपने बिल्कुल वही लिखना है। आप इसे सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, द रेप ऑफ द लॉक इज अ सेटायर ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। बस लैंग्वेज चेंज हो गई है, लेकिन ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है, फॉलीज एंड फॉयबल्स ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। गिव सेंट्रल आइडिया ऑफ ब्लैक्स पोयम द लैम्प। वॉट इज द रोल ऑफ हेस्टिंग्स इन गोल्डस्मिथ्स प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। सेक्शन सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन इज, देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है आपसे, काफ़ी इजी आपका पेपर है। डिस्कस पोप एज अ न्यू क्लासिकल पोएट। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि नियो क्लासिसिज्म क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
एंड हाउ कैन यू कॉल पोप एज अ न्यू क्लासिकल पोएट? तो आप जो भी पार्टिकुलर पीरियड या एज से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसमें आप हमेशा उस एज के बारे में जरा से जरूर बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि पोप एक न्यू क्लासिकल पोएट है, क्योंकि पोप की जो भी पोएम है, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब की गई है आपके सिलेबस में, जैसे रेप ऑफ द लोक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्वालिटीज होती हैं उस इरा की, वो सब किस में मिल रही हैं? उस राइटर के वर्क में, लिटरेरी वर्क में। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि पोप क्या है, एक न्यू क्लासिकल पोएट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं। डिस्कस मेजर थीम्स। अब मेजर थीम आई है यहाँ पर इन ब्लैक्स सॉन्ग्स, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, तो उनकी मेजर थीम क्या है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ केट एंड कॉन्स्टेंस इन गॉडस्मिथ्स प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फील्डिंग्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अब देखिए कितना सिंपल है यहाँ पर, ये भी आपका क्वेश्चन। यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन थी, आपको आपको एक कंपेयर करनी थी, आपको डिफरेंस बताना था दोनों के कैरेक्टर में, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं मेजर और माइनर, उनका आपने यहाँ पर ब्रीफली उनके बारे में बताना है। अगर कम कैरेक्टर्स हैं तो आपको आप डिटेल में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जनरली जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, तो यहाँ पर आपने मेजर कैरेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना होता है। माइनर को भी आप जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि उनकी पूरी आर्ट पूछी है कैरेक्टराइजेशन की, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने इसमें फोकस करना होता है मेजर कैरेक्टर्स पर, और स्पेशली जो पर्सो नहीं होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जैसे टॉम जॉन्स। द लास्ट वन इज डिस्कस ह्यूमर, आयरनी एंड सेटायर। राइट, अब देखिए तीनों यहाँ पर पूछे गए हैं, ह्यूमर, आयरनी एंड सेटायर इन द एसेज ऑफ बोथ एडिसन एंड स्टील। अब यहाँ पर आपसे सिर्फ एक नहीं पूछा गया जोसेफ एडिसन, बल्कि यहाँ पर रिचर्ड स्टील का भी पूछा गया है। तो आपको इससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपके पास काफ़ी कुछ लिखने के लिए होता है, क्योंकि दोनों की प्रोज स्टाइल अलग थी, दोनों का सेटायर या दोनों का ह्यूमर थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पर आपको तीनों पर फोकस करना है, और यहाँ पर आप पहले ये बता सकते हैं कि ह्यूमर क्या है, आयरनी क्या है और सेटायर क्या है, और वो तीनों किस तरह से उनके एसेज में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको उस टाइम कोई कोटेशन आपने याद की हुई है, आपको याद आ रही है, तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिए उनके एसे की, क्योंकि उनका मेन जो कैरेक्टर था वो सरोजा डी कावर्ली था, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ अच्छी कोटेशंस याद हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ज़रूर डालनी चाहिए। तो ये था आपका सेक्शन सी, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपके सामने चॉइसेस होगी कि आप कौन से अच्छे 3 क्वेश्चंस देखें या करें, और आपने वो लेने हैं 3 क्वेश्चंस जो आप अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं।